गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा श्री गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, जय माता की। आज हम आपको माँ काली जी का मंदिर गंगा जी के बीच शमशान सरैया घाट शिवराजपुर कानपुर नगर यूपी में जो निर्मित है उसके विषय में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। स्वर्गीय फक्कीलाल सैनी शिवराजपुर डाक बंगला कानपुर नगर यूपी के निवासी। इनके पांच पुत्र थे। इनके बड़े पुत्र का नाम दिनेश कुमार सैनी था। ये बड़े शरारती और उद्दंड प्रकृति का बालक था। इस बालक का स्वभाव निशानेबाजी करना एवं बकरियां चराना। पढ़ाई लिखाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। दिनेश कुमार सैनी बकरियों को चराते चराते बहुत दूर निकल जाया करते। एक दिन अपनी बकरियों को चराने के लिए गंगा जी के किनारे शमशान घाट टीले के पास पहुंचे। इनकी बकरियां चरने में मस्त थी और ये दोस्तों के साथ खेलने में मस्त थे। ये घटना सन 1975 और 76 के बीच की है। दिनेश कुमार सैनी जी की नजर शमशान घाट पर बने बुर्ज पर गई। वहां पर एक सन्यासी जी बैठे हुए अपनी पूजा में लीन थे। दिनेश कुमार सैनी जी की उम्र उस समय 18 और 20 साल के बीच की थी। इस सन्यासी महाराज को ध्यान से देखने लगे। 15-20 मिनट बाद सन्यासी जी की पूजा समाप्त हो गई। सब सन्यासी जी ने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए। इसी बीच सन्यासी महाराज के हाथों में भोजन से भरी एक थाली आ गई। थाली से धुआं निकल रहा। इससे यह आभास हो रहा था कि भोजन ताजा, यानी थाली में जो भोजन आया है वो भोजन गरम गरम और ताजा ही। ये देखकर दिनेश कुमार सैनी को बड़ा आश्चर्य हुआ। और आश्चर्य ही नहीं, उनको भोजन को देख के लालच भी लगने लगी। दूसरे दिन श्री दिनेश कुमार सैनी वहीं पहुंच गए जहां सन्यासी महाराज पूजन कर रहे थे। सन्यासी महाराज पूजन में लीन थे और दिनेश कुमार सैनी जी दबे पांव सन्यासी महाराज के पास गए और वहां से उनकी पूजन वाली थैली धीरे से उठा ले। इधर जब सन्यासी महाराज की पूजा समाप्त हुई तो अपनी माला रखने के लिए झोली ढूंढने लगे। झोली नहीं मिली। तब श्री दिनेश कुमार सैनी ने बाबा जी से कहकर सन्यासी महाराज को पुकारा, हे बाबा जी। सन्यासी महाराज मुखातिब हुए श्री दिनेश कुमार सैनी की तरफ। तब दिनेश कुमार सैनी ने झोली दिखाते हुए कहा, बाबा जी ये झोली मेरे पास है। बाबा जी ने कहा, बेटा मेरी झोली दे दे, उसमें तेरे मतलब की कोई चीज नहीं है,
इस पर दिनेश कुमार सैनी ने कहा, बाबा जी हम झोली देने वालों में नहीं है, हम झोली आपकी नहीं देंगे। बाबा जी झोली लेने के लिए श्री दिनेश कुमार सैनी की तरफ पड़े। दिनेश कुमार सैनी धीरे धीरे पीछे हटने लगे। बाबा जी ने झोली लेने के लिए अपनी चाल बढ़ाई, इधर दिनेश कुमार सैनी झोली लेकर लंबी चाल में अपने घर की तरफ चल दिए। बाबा जी दौड़ाने लगे, दिनेश कुमार सैनी झोली लेकर भागते भागते अपने घर पहुंच गए। इधर बाबा जी 7-8 किलोमीटर दौड़ाते दौड़ाते थक से गए। श्री दिनेश कुमार सैनी झोली लेकर अपने घर में घुस गए थे, लेकिन बाबा जी ने भी पीछा नहीं छोड़ा। घर के अंदर घुसने लगे, घर के दरवाजे पर ही स्वर्गीय फक्कीलाल सैनी बैठे हुए थे, जो PWD में मेट थे। तो वीला चेहरा था, कड़कदार आवाज थी, और यही श्री दिनेश कुमार सैनी जी के पिता भी थे। उन्होंने कड़कदार आवाज में पूछा, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? इस पर बाबा जी ने अपना परिचय दिया, मेरा नाम आत्माराम बंगाली, मैं गंगा जी के घाट पर पूजा कर रहा था। एक छोटा सा बालक 18-20 वर्ष का था, वह मेरी पूजन वाली झोली लेकर भाग आया है। कृपया उस लड़के से मेरी झोली वापस करवा दी। श्री दिनेश कुमार सैनी के पिताजी फक्कीलाल सैनी ने पूछा, बाबा जी ये बताओ झोली में क्या रखे हो? जो लड़का तुम्हारी झोली लेकर भाग आया। इस पर बाबा जी ने कहा, भैया उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ पूजन पाठ का सामान है। तब स्वर्गीय फक्कीलाल सैनी ने दिनेश कुमार सैनी को आवाज देकर कहा, बाबा जी की झोली उनको वापस कर दो। इस पर बेटे ने साफ मना कर दिया, हम झोली वापस नहीं देंगे। पिता ने पूछा, क्यों नहीं आप झोली दोगे? आखिर में दिनेश कुमार सैनी ने कहा, मुझे ये तिरवाचा देंगे तभी हम इनकी झोली वापस करेंगे, वरना हम किसी भी कीमत पर झोली वापस करने वाले नहीं हैं। बाबा जी दिनेश कुमार सैनी को मजबूर होकर तिरवाचा दिया। तब श्री दिनेश कुमार सैनी ने कहा कि मुझे वही जादू सिखाओ जिससे गरम गरम खाना अपने पास आपने मंगाया था। बाबा जी ने कहा, हम सिखा तो देंगे, लेकिन बेटा ये सब चीजें आसान नहीं, इसमें समय लगता है, मेहनत पड़ती है, जान को भी खतरा होता है, और परिवार से भी आपको मोह कम करना पड़ेगा। दिनेश कुमार सैनी ने कहा, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, हमें खाना मंगाने वाली विद्या चाहिए और आपको सिखाना है। इस पर बाबा जी ने कहा, बेटा ये PhD की पढ़ाई है, पहले तो आपको कहरा सीखना पड़ेगा, तभी आगे की विद्या आप सीख पाओ। इस बात को ब्रह्मलीन दिनेश कुमार सैनी ने मान लिया और बाबा जी की झोली को वापस कर दी। बाबा आत्माराम बंगाली ने दिनेश कुमार ब्रह्मलीन दिनेश कुमार सैनी को अपना साहस शिष्य बना लिया तथा इनका नया नाम दिया बाबा दीनानाथ। अब इनको क्षेत्र के लोग DN सैनी, DN भैया, DN दादा के नाम संबोधित करने लगे।
भाई क्षेत्री, ये क्षेत्रीय व्यक्ति थे, क्षेत्र में इनका परिचय था, जो जिसका पद था उस हिसाब से इनके नाम का लोग प्रयोग करने लग गए। उधर बंगाली बाबा ने धीरे धीरे इनकी शिक्षा प्रारंभ कर दी, परंतु घर वालों का एक सख्त आदेश, जो कुछ भी सीखोगे मेरी नज़र के सामने रहकर सीखोगे, घर छोड़कर मारे मारे नहीं फिरोगे। बंगाली बाबा का जब भी कानपुर का फेरा लगता था तो अपने प्रिय शिष्य ब्रह्मलीन डीएन बाबा के पास आकर रुकते, हफ्ता 15 दिन उन्हें शिक्षा देते और शिक्षा का अभ्यास कराते। ये क्रम लंबे समय तक चलता रहा। एक दिन बंगाली बाबा के प्रिय शिष्य ने गरम गरम भोजन वाली थाली मंगाने वाली विद्या के सीखने की इच्छा फिर जारी की। तब बंगाली बाबा ने कहा, बेटा मेरे ऊपर अभी एक अल्प और बाकी है, अगर मैं इससे बच गया तो तुझे वापस आकर विद्या जरूर सिखाऊंगा। बंगाली बाबा ने शमशान सरैया घाट गंगा जी के धारा के ऊपर भैरवनाथ के मंदिर में सारी शिक्षा दी और वहीं अभ्यास कराया। परंतु ब्रह्मलीन डीएन बाबा गृहस्थ थे, इनकी पत्नी और बच्चे भी हैं। इनका कहना था कि गुरुजी से हम 10% ही विद्या हासिल कर पाए। बंगाली बाबा ब्रह्मलीन डीएन बाबा से वादा करके बुलंदशहर चले गए, जब मैं वापस आऊंगा तभी आगे कुछ आपको सिखाऊंगा। परंतु बंगाली बाबा बुलंदशहर में ही जाकर ब्रह्मलीन, उनकी समाधि बुलंदशहर में बना दी गई, जो आज भी बुलंदशहर में उनकी समाधि ब्रह्मलीन आत्माराम बंगाली की समाधि बुलंदशहर में आज भी मौजूद है। इधर ब्रह्मलीन डीएन बाबा क्षेत्र में काफी मशहूर हो गए। दीन दुखियों की इनके घर पर लाइन लगने लग गई। आदमी रोता हुआ आता था, हंसता हुआ जाता था। ये सिलसिला लंबे समय तक चलता। एक दिन इसी क्षेत्र के एक किसान ने कहा कि भैया मेरे खेत में धन गड़ा हुआ, पैसों की रात में खनखनाहट की आवाज आती है, आप चलकर इसे निकाल दो। परम डीएन बाबा ने कई बार इस मैटर को टाला, परंतु किसान जब ज्यादा पीछे पड़ गया तब डीएन बाबा ने किसान के बताए हुए स्थान पर पूजन पाठ किया और खुदाई कर लगभग 10 फुट गहरान थी, उनमें खटखट की आवाज आई। रात के अंधेरे के कारण एवं बरसात के मौसम में की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंदर कोई माचिस और टार्च भी नहीं काम कर रही थी, परंतु लोगों ने कहा कि काला काला कुछ दिख रहा है, मुझे क्या हुई। उसी बीच में बिजली कड़की और बिजली की रोशनी से अंदर गड्ढे में कुछ काला काला दिखाई दिया। लोगों ने अंदाजा लगाया कि गड्ढे के अंदर एक बहुत बड़ा सर्प बैठा हुआ। ब्रह्मलीन डीएन बाबा ने कहा कि भाई मैं बड़ी निर्भीकता से, उन्होंने कहा मैं अंदर जा रहा हूं, सर्प को भी अपनी झोली में पकड़कर ले आऊंगा। और वो गड्ढे के अंदर घुस गए। उनको भी कुछ सख्त सी चीज अंदर समझ में आई, पर रात के अंधेरे में कीचड़ होने की वजह से कुछ अंदाजा नहीं लग रहा। थोड़ी दूर पर गंगा जी बह रही थी, अंदर जो चीज थी उसको निकाली गई और उसको रात के ही अंधेरे में गंगा जी के घाट पर लाकर
घाट की सीढ़ियों पर रखा गया और रखकर नाव बांधने वाली जमीन बांध दिया गया, क्योंकि गंगा जी बढ़ी हुई चल रही थी, पानी सीढ़ियों के ऊपर तक बह रहा था और दो तीन सीढ़ी अंदर घुस के उस चीज को अंदर डाल दी गई, जंजीर से बांध दी गई ताकि वो चीज बहने न पावे पानी। और सुबह तड़के ही ब्रह्मलिंडियन बाबा अपने लोगों के साथ घाट पर पहुंच गए, जंजीर खोला और ठीक से उस चीज के कीचड़ को साफ किया और साफ सुथरा करके ठीक किया। तब तक काफी उजाला हो चुका था। उसे उठाकर ऊपर लाने लगे, परंतु वो चीज इतनी भारी हो गई थी कि वो जो है अब डीएन बाबा के ही की बस में बात नहीं रह गई और मजबूर होकर ब्रह्मलीन डीएन बाबा को वो चीज वही बुर्ज के ऊपर रखी देना पड़ा। मित्रों, वह चीज कुछ और नहीं थी, वह जमीन से निकली हुई माता काली जी की मूर्ति थी। तब ब्रह्मलीन डीएन बाबा ने अपने शिष्यों को आदेश दिया, मां की इच्छा यही विराजमान होने की है। उसमें ब्रह्मलीन डीएन बाबा का एक क्षुद्र सा शिष्य मैं भी हूं। मैंने पूछा, भैया फिर क्या होना चाहिए? फिर गुरु जी ने आदेश दिया, यहीं पर माता जी का मंदिर बनना चाहिए। फिर हम सभी लोगों ने अपने सामर्थ्य के अनुसार माता के मंदिर का निर्माण कराया। उसी स्थान यानी गंगा माता की धारा में बुर्ज के ऊपर शमशान सरैया घाट शिवराजपुर नगर उत्तर प्रदेश में स्थापित करा दिया। इस मंदिर की मौजूदा समय देख रेख श्री डीएन बाबा के वरिष्ठ शिष्य श्री मुकेश बाबा यानी मुकेश सैनी कर रहे हैं। गुरुजी, जो जान अनजान में मुझसे गलती हुई हो उसे आप माफ करिए और आगे की आप हमें रास्ता दीजिए। जय माता।